ये कोई म्यूजिक वीडियो नहीं है, पर किसी म्यूजिक एल्बम से कम भी नहीं है। तो भाई कैंटीन पर आग सेकते सेकते हमारी मुलाकात होती है इन जनाब से, जिनका बात करने का अंदाज काफी अलग सा था। इनसे थोड़ी बात करने पर हमें पता चला कि एक लेखक, शायर या राइटर हैं और इसी कॉलेज में मास्टर्स कर रहे हैं। सोच कर बचपन की यादों को सो गया कब, उन ख्वाबों ही ख्वाबों में मैं रो गया कब, जिंदगी की भाग दौड़ में ये हो गया कि भाग दौड़ में जिंदगी में खो गया। तो ऐसी ही दिल को छू जाने वाली शायरियों का दौर चलता गया। फिर ये हमें बताते हैं कि एक थोड़ा बहुत गा भी लेते हैं, पर इनका गिटार इनके रूम पर है तो हमने कहा ठीक है चलिए, इसी बहाने से हम अपने जीवन में पहली बार किसी को लाइव सिंगिंग करता हुआ देख भी लेंगे। अब इनके एक टैलेंट ने तो हम लोगों को इम्प्रेस कर दिया था, अब इस दूसरे टैलेंट ने हमको इम्प्रेस कर पाया या नहीं ये आप खुद देख लीजिए। मतलब माहौल ऐसा है कि बारात आ रही है, लड़की छत पे वेट कर रही है, बेसिकली जहां भी शादी है वेन्यू जो चांद नहीं रहा है, और ये कन्वर्सेशन है चांद और वो दुल्हन के बीच में। ये मेरा दोस्त मर गया यार, उसको सुनाना पड़ गया, इसको रिकॉर्ड नहीं करना। कैसे से? एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट, एक कतरा खून का नहीं भा, एक कतरा नहीं भा और मरे ऑन स्पॉट। दिलकश है अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो इसका मतलब आप एक अच्छे लिसनर हैं और मेरी तरह आप भी ओम सर के फैन हो गए होंगे। इस वीडियो का हर एक गाने के कंपोजर, राइटर यही खुद हैं। मगर दुख की बात यह है कि ओम सर जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई के तले इतना दब जाते हैं कि अपना टैलेंट जमाने के सामने दिखा नहीं पाते। तो आप लोगों को क्या करना है ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।